एमएस वर्ड एमसीक्यू सेट टू में आपका स्वागत है। सेट टू के पार्ट थ्री में आज हम एक क्विज खेलेंगे जिसमें आप और मैं मिलके पांच क्वेश्चंस के हम आंसर्स देंगे। अब देखते हैं कि आप विन करते हो या मैं विन करता हूं। आपका जो भी स्कोर बने कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने स्कोर को टाइप कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक क्विज हमारे बीच में खेलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेस। एमएस वर्ड में ग्राफिक्स का जितना भी काम होता है उसका क्या सॉल्यूशन है, कौन सा टूल को वो सॉल्यूशन आपको देता है। तो ये ऑप्शन आप क्लिप आर्ट में मिलता है, या वर्ड आर्ट में मिलता है, या ड्रॉप कैप में मिलता है, या ऑल ऑफ एबव। तो अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो क्लिप आर्ट में सारा ग्राफिक का ही काम होता है, वर्ड आर्ट अपने आप में ग्राफिक है, और ड्रॉप कैप ग्राफिक तो नहीं है बट फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है। तो ड्रॉप कैप को हम ग्राफिक्स में नहीं रख पाएंगे, एंड ऑल एफ तो ऑल ऑफ एबव को भी हम ग्राफिक्स में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ड्रॉप कैप नहीं है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, क्लिप आर्ट एंड वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑप्शन है, बट क्लिप आर्ट एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स हो सकते हैं या होते हैं। तो मैं चूज करता हूँ क्लिप आर्ट ऑप्शन ए को, आप भी चूज कर लीजिए और देखते हैं कि ए है या नहीं। तो कंप्यूटर महाशय ए आंसर को लॉक किया जाए और हमें आंसर दिखाया जाए। तो सही आंसर है क्लिप आर्ट। तो मैं एक पॉइंट जीत चुका हूं और आपको पॉइंट मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्यूज अभी बाकी है, स्टोरी अभी बाकी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12 में द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई इज यूज टू, मतलब कंट्रोल आई हम किस लिए यूज करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो आंसर बड़ा सिंपल सा होगा, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, नो, इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, नो, एंड इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, नो, एंड अप्लाई इटैलिक। यस, कंट्रोल आई इज अ शॉर्टकट की ऑफ इटैलिक। तो आंसर डी है। तो मैंने तो डी चूज किया, आपने क्या चूज किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं, एक पॉइंट मुझे मिल गया है, आपको भी मिल गया होगा, दूसरा पॉइंट आप ले पाते हैं या नहीं। तो दूसरा आंसर है डी, तो मुझे मिल गए दो पॉइंट। चलिए आप 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ करेक्टर दैट इज अराइज्ड एंड स्मॉल एबो द बेस लाइन इज नोन एज, मतलब कोई टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का एक बेस लाइन होता है, उसके ऊपर जो करेक्टर होता है जिसे हम 10th और 12th लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको आउटलाइन बोलते हैं, अराइज्ड बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, या सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सब स्क्रिप्ट तो नीचे की तरफ होता है, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ होता है। तो मेरा जो राइट आंसर है जो मुझे लगता है वो सी है, आप भी चूज कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन को लॉक किया जाए, आंसर दिखाया जाए। तो सही आंसर सुपर स्क्रिप्ट। यो, तो मैं 3 के 3 मैंने सही आंसर बताए हैं। चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में जो हम हेडर एंड फुटर डॉक्यूमेंट, हेडर फुटर बेसिकली होता क्या है कि आप जो हेडर में डालेंगे वो सभी पेजेस में रिपीट होगा और जो फुटर में डालेंगे वो भी सभी पेजेस पे रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पेज है और आपको अपनी कंपनी का नाम हर पेज के हेडर एंड फुटर में लिखना है, तो उसके लिए हम हेडर फुटर का यूज करते हैं, इतना तो मुझे पता है। तो चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर के पास क्या क्या आंसर्स हैं। तो 4 आंसर्स कंप्यूटर ने मुझे यहाँ दे दिए हैं। एंड एनहेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज मार्क द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पेज, नहीं, टू मेक लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रिलायबल, नहीं, टू अलाउ द पेज हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना, ए और डी में से एक हो सकता है, पर यहाँ पे प्रिंटेड बोल दिया है तो प्रिंटेड तो आएगा ही आएगा, पर ये सिर्फ प्रिंटेड से रिलेटेड नहीं है। टू एनहेंस द ओवरऑल अपीयरेंस, मतलब ओवरऑल हर जगह आता है भाई, तो मुझे लगता है ए आंसर है, शायद आपका भी ए होगा। मैं तो कहता हूँ अभी ए ही ले लो क्योंकि श्योर हूँ मैं तो ए है, और चौथा पॉइंट तो मुझे मिलके ही रहेगा, तो मेरे 4 पॉइंट होने वाले हैं और आपके भी शायद 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर इज डी। ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई, तो मैंने एक पॉइंट लॉस कर दिया है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आपने डी चूज किया होगा, शायद आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया होगा। मेरे पॉइंट 3 है और आपके पॉइंट में भी 4 हो गए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस शहर से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपके कितने पॉइंट थे। तो चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेल। तो
तो स्पेल हमारे कंप्यूटर में स्पेलिंग चेकिंग की एक शॉर्टकट की होती है एमएस वर्ड के अंदर, वो क्या है अब तो मैं 100% श्योर हूँ। चलो कंप्यूटर के पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। कंप्यूटर के पास F5, F7, F9, Shift F7, OMG, तो यार वो F7 ही है भैया। मैं दो तो मैं मेरे दो क्वेश्चन तो दो पॉइंट तीन पॉइंट मेरे ठीक हुए हैं, एक मेरा गलत हो गया है। देन अभी मेरा ये ट्रू होने वाला है, इसका आंसर बी है। तो कंप्यूटर वहां से बी को लॉक किया जाए, आंसर दिखाया जाए। तो सही आंसर इज बी F7। तो मैंने पांच में से चार आंसर सही दिए हैं, एक मेरा आंसर गलत हो गया है। होप सो आप मुझसे जीत गए होंगे, तो आपको बहुत बहुत बधाइयां हो अगर आप मुझसे जीत गए हैं। नहीं भी जीते हैं कोई बात नहीं, आप कमेंट्स लिखिए, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया है। बाय बाय।